एक छोटी सी प्यारी गुड़िया के साथ कोई भी बच्चा खेलना चाहेगा, बट एनाबेला नाम की गुड़िया से बड़े बड़े ही दूर भाग जाते हैं। कहा जाता है कि गुड़िया में शैतानी आत्मा का वास है जो इसके मालिक को खत्म कर देता है। इस गुड़िया की कहानी वर्ष 1970 से शुरू होती है, जबकि एक महिला अपनी बेटी डोना के लिए उसके जन्मदिन पर एक प्यारी सी लेकिन एंटीक दिखने वाली गुड़िया लेती है। डोना अपनी गुड़िया को कमरे में सजा देती है। जल्दी ही वह उस गुड़िया में मूवमेंट महसूस करने लगती है। घर में अजीबोगरीब हरकतें शुरू हो जाती हैं। वहां चमड़े पर खून से लिखे मैसेजेस भी मिलते हैं। गुड़िया अपनी जगह पर रखी घूम जाती है। लोग वहां से बहुत डर जाते हैं। बाद में एक आत्माओं से बात करने वाले व्यक्ति को बुलाने पर मालूम हुआ कि उस गुड़िया के अंदर आत्मा है। इसके बाद कई लोगों ने इस गुड़िया के भूत को भगाने की कोशिश की, लेकिन सभी कोशिशें फेल यानी नाकाम हो गए। यहाँ तक कि गुड़िया ने कई लोगों की जान भी ले ली। इसके बाद एक पादरी फादर कुक तथा तांत्रिक वारेन ने इस हॉन्टेड डॉल पर मंत्रों का प्रयोग कर उसे एक कांच के शोकेस में बंद कर दिया और शोकेस को मंत्रों द्वारा बांध दिया ताकि शैतानी आत्मा फिर से बाहर नहीं आ सके। आज भी यह गुड़िया उसी शोकेस में रखी हुई है जहां आने वाले लोग उसे बाहर से देख सकते हैं, लेकिन उन्हें उस गुड़िया को छूने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।